येलो अलर्ट के बीच हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश का दौर शुरू हो गया। मंडी के साथ मिल के पास चंडीगढ़ मंडी मनाली एनएच भूस्खलन से भारी चट्टाने गिरने के बाद बंद हो गया। रात 8 बजे 23 घंटे बाद एनएच बहाल नहीं हो पाया। इस दौरान दोनों ओर करीब 20 किलोमीटर लंबा जाम लग गया। इस बीच वाया कटौला वैकल्पिक मार्ग पर दिन भर करीब 30 किलोमीटर तक लंबा जाम लगा रहा। यहां तक कि सेब सब्जियों से लदे ट्रक पिकअप और अन्य वाहन भी फंसे रहे। भूस्खलन के खतरे को देखते हुए देर रात हाईवे बहाली का काम बंद कर दिया गया। प्रशासन के अनुसार सुबह फिर से सड़क बहाली का काम शुरू होगा। देखिए, कल भारी बरसात हुई है शाम के समय और रात के समय। इसमें जो हमारे कंस्ट्रक्शन के पैचेज है, खासकर मंडी और पंडो के बीच में, इसमें हैवी लैंडस्लाइड कल रात को भी हुआ है 2-3 पॉइंट्स पे। तो पुलिस एहतियात बरत रही है और हमारी टीम्स समय समय पर रिस्पॉन्ड करती है। अभी हम भाग्यशाली रहे हैं कि और ईश्वर की कृपा से अभी कोई बड़ा डैमेज मंडी में नहीं हुआ है, लेकिन स्थिति क्योंकि अनप्रडिक्टेबल है और एक नज़र बना के रखने का हमारा विषय है, तो एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, DDMA की टीम के साथ, पुलिस के जवान, होमगार्ड के जवान नज़र बनाए हैं और हमारी उम्मीद है और हमारी कोशिश है कि किसी भी तरह का जानमाल का नुकसान मंडी में ना हो और समय रहते एहतियातन तौर पे रास्तों को जो बंद करने का डिसीजन या किस तरह से ट्रैफिक मूवमेंट करवाना है वो हम कोशिश करेंगे। वहीं खराब मौसम के चलते हिमाचल में 198 सड़कें ठप रही। उधर चंबा के लुडेरा नाले में एक अधेड़ बह गया। प्रदेश भर में 16 कच्चे मकान क्षतिग्रस्त और 3 मकान ध्वस्त हो गए। 18 गौशालाओं को भी नुकसान पहुँचा है। बिजली के 8 ट्रांसफार्मर प्रभावित हुए हैं। हिमाचल में 30 अगस्त तक भारी बारिश का येलो अलर्ट है। रात चंबा के तन्नुहट्टी ककीरा मार्ग पर पैर फिसलने से लुडेरा नाले में गिरने से बहे करमचंद वासी गांव लुडेरा का शव बरामद हुआ। मंडी पठानकोट मंडी जालंधर वाया धर्मपुर मार्ग पर भी आवाजाही प्रभावित रही। गुहर धर्मपुर और जोगिंदरनगर क्षेत्र में 10 गौशालाएं ध्वस्त हो गई। गुहर में गौशाला ढहने से 3 मवेशियों की मौत हुई है। वहीं सराज में 3 रिहायशी मकानों पर मलबा गिरा है।